वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैंने एक पैन रख दिया है, ये हम उसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो हम घी को अच्छे से पिघला लेंगे। घी अब हमारा पिघल चुका है, अब हम इसमें सूजी मिला देंगे। तो हमने सूजी मिला दी है, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें सूजी को जब तक उसका ब्राउन रंग हो जाता है तब तक उसको भूनना है। जब आप सूजी को भूनेंगे तो उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल जो है वो आपके चारों ओर फैल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप गैस को सिम कर दीजिएगा जब आप इसमें पानी ऐड करें। आपको अच्छे से मिला देना है, आपको ये देखना है कि इसमें कोई लम्स ना हो जब आप पानी को ऐड करें। तो मैंने इसमें दो ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें चीनी भी मिला देंगे। तो दो ग्लास पानी मैंने मिलाया था और ये अब हम इसमें चीनी मिला दे रहे हैं। ये 3/4 कप चीनी है जो हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसकी आंच को तेज कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी साइज देखिए कितने आराम से ये छोड़ रहा है। इसे
से बस हम 2 मिनट और पकाएंगे और हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें गरी जो होती है ना, वो हमने कद्दूकस करके रखी है, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब देख सकते हैं इसका इतना प्यारा कलर आया है। मैंने गैस ऑफ कर दिया, हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे एक बाउल पे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये बना है। देख सकते हैं कि हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।